हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ सेक्शन ई सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ नोटबुक फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप इन द मंथ ऑफ जून फॉर द ईयर 2014 इज एज फॉलोज। फाइंड कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस यूजिंग कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, तो डेटा क्या है? सेल ऑफ नोटबुक जिसको हम एक्स कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ डेज जिसको हम फ्रीक्वेंसी कंसिडर करेंगे, और ये जो डेटा है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब करना क्या है, एक स्टेशनरी शॉप है उसमें सेल्स का दिया हुआ है और कितने दिन में कितना सेल्स हो रहा है वो दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस By using Carl Pearson's method, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे। ओके, देन मीडियन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड जो भी हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे कहाँ पे, फॉर्मूला में, टू गेट द कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। सबसे पहले टेबल को सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो सबसे पहले एफ एक्स होगा 60, 50, 147, 60, 72, 112, 30 and 36। देखिए why we are using median here, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ अकरिंग ट्वाइस, मतलब जो मोड है वो एक्चुअली में दो बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर हम मोड फाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि मोड इज़ अनडिफाइंड, एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग मीडियन हियर टू गेट द आंसर। ओके, ये आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये टेबल को एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, नाउ एफ एक्स स्क्वायर, That is एफ एक्स इंटू एक्स, क्या आएगा 1800, 1250, 3087, 1200, 1296, then 1792, 450, 432. Now, as we know, to find median, we required cumulative frequency. So, हम यहाँ पे cumulative frequency find करेंगे. 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 7, 11. 11 plus 3, 14, 14 plus 4, 18, 18 plus 7, यहाँ पे सबसे पहले डेटा देखते हैं कैसे दिया हुआ है। वी नो दैट कि मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वैल्यूज़ को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बताना भूल गया, बिकॉज मीडियन इज़ अ पोजिशनल एवरेज। आइदर ये लाइन है छोटे से बड़ा, ठीक है, या फिर बड़े से छोटा, ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना पड़ता है। ये डिस्क्रीट डेटा है और यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 30 है, देन 25, 31, 20, 18, 16, 15 एंड 12। यहाँ पे डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, डिस्क्रीट सीन में है तो सबसे पहले हमें
जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो नीचे से हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर दिया, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 16 19 26 80 and 30। और जो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा जिसको हम एन भी बोलते हैं वो भी 30 है। यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअली में लोअर हायर टू लोअर साइड है, तो हमें सबसे पहले इसको लोअर टू हायर आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका फिर ये टेबल उल्टा हो जाएगा, ऊपर से नीचे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमने टेबल बना लिया। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं टू फाइंड मीन, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना होगा वो भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। दैट इज 567। इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवन ये आपका हो गया टोटल। वैल्यूज पुट करेंगे 567 / 30, आंसर आएगा आपका 18.90। ये आपकी मीन की वैल्यू हो गई। मीडियन के लिए फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ n+2 ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू यहाँ पे 30 है, +1/2, 31/2, 15.5 ऑब्जर्वेशन। अभी हमें देखना है कि 15.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे फॉल हो रही है, तो दैट इज़ फॉलिंग बिटवीन 12 and 16, एंड वी आर कंसिडरिंग द हायर फ्रीक्वेंसी फॉर दैट। ओके, यहाँ पे फॉल हो रही है ये दोनों के बीच में, और वी आर कंसिडरिंग हायर फ्रीक्वेंसी। 16 का हायर कितना जो अगेंस्ट पे क्या है 18, सो मीडियन इज इक्वल टू 18। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट कर देते हैं। इलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवन डिवाइडेड बाई थर्टी इज इक्वल टू 376.90 माइनस 567 / 30 इज इक्वल टू 18.90 होल स्क्वायर। इज इक्वल टू 357.21, डिफरेंस आएगा आपका 19.69, और इसका रूट ओवर होगा आपका 4.44। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वी गॉट द वैल्यू फॉर मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कार्ल पियर्सन मेथड में जो फॉर्मूला है टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दैट इज 3 × x̄ - m / स्टैंडर्ड डेविएशन। वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 18.90 - 18/4.44,
डिफरेंस होगा यहाँ पे 0.90 डिवाइडेड बाय 4.44, 3 × 0.90 इक्वल 2.70 और आपका एट दिन आंसर होगा 0.61। ओके, तो ये रहा आपका डेटा या आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले टेबल को सॉल्व किया, देन आफ्टर मीन फाइंड किया, मीडियन फाइंड किया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया और एट द एंड कार्ल पियर्सन मेथड से कोफिशिएंट फाइंड किया। ये था आपका आंसर और ये था आपका सॉल्यूशन। ऐसे करना है आपको एग्ज़ाम में भी। थैंक यू।